कोटा की चंबल जहां अपनी खूबसूरती को समेटे हुए हैं, वहां पर कई जीव जंतु भी यहां पर विद्यमान हैं। ऐसे में यहां पर जो सांप हैं वो घरों की ओर अग्रसर होते हैं। बरसात के दिनों में यही सांप घरों में जाते हैं, जिन्हें पकड़ने का जिम्मा यहां के पर्यावरण प्रेमी ने उठाया है। आज हम जो लाड़पुरा के रेंज में हैं, जहाँ पर हम इस सांप को छोड़ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पर्यावरण प्रेमी गोविंद शर्मा ने सोल स्केल वाइपर को छोड़ा है, जो काफ़ी जहरीला होता है और इसके जहर से क्षण भर में ही एक व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ऐसे में आज ये इस सांप को यहाँ पर रिलीज़ करने आए हैं और ऐसे ही हजारों की संख्या में ये अब तक सांपों को जंगल में रिलीज़ कर इनकी जान बचा चुके हैं। और ऐसी कई प्रजातियों के सांप हैं जो जंगल में अब तक छोड़े जा चुके हैं। कब से चल रहा है आपका अभियान ये? मेरे को काफ़ी साल हो गए हैं और सांप पकड़ते हुए, और मैं आज तक यही देखता हूं कि लोग बाग इन सांपों को मार देते हैं। और कोबरा प्रजाति के सांप कुछ ज़्यादा आजकल बारिशों की वजह से निकलना चालू हो चुके हैं, और काफ़ी टीम भी यहाँ काम कर रही है कोटा में, और स्नैक कैचर के नाम से मुझे जानते हैं, गोविंद शर्मा स्नैक कैचर। और आए दिन घरों की सूचना आती है मेरे पास, जो घरों के अंदर पानी की वजह से, बारिश की वजह से सांप घरों के अंदर घुस जाते हैं, उनको मेरा निकाल के और तुरंत जंगलों में छोड़ने का काम यही रहता है कि इन सांपों की जान बचती रहती है। और काफ़ी लोग अब बचाना चालू कर चुके हैं कोटा में, और काफ़ी लोग मारते भी नहीं हैं अब सांपों को देखने के बाद, तुरंत मेरे को सूचना करते हैं। और मैं कम से कम, मेरे को 7-8 साल से मैं ये देख रहा हूँ कि मैं सांपों को पकड़ के सुरक्षित जंगलों में छोड़ता जा रहा हूँ।